For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के शो शुक्रबाज में आ गया है अब एक फनी सा टर्न। अब तक आप देख रहे थे सीरियस ड्रामा, लेकिन अब इस फनी टर्न के बाद आप सब एंजॉय करेंगे स्टार प्लस के शो की ये स्टोरी लाइन। हम बात कर रहे हैं इश्कबाज की उस स्टोरी के बारे में जहां पर टिया की एंट्री हो चुकी है शिवाय के घर में, और ना केवल शिवाय के घर में बल्कि ये एंट्री शिवाय के बेडरूम में हुई है। आपको जानकारी दे दें कि किसी मकसद के चलते शिवाय अपने बेडरूम तक ले आया है टिया को। अब इसके पीछे क्या है कारण, क्या टिया जानती है शिवाय का प्लान, या फिर ये सब कुछ सिर्फ शिवाय ओम और रुद्र के बीच में पक रहा है, ये अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये सब देखकर अनिका बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है। उसने टिया को शिवाय के बेड पर सोता देखकर कुछ अजीब सी बातें शिवाय से करनी शुरू कर दी हैं। अब शिवाय इन बातों से परेशान हो गया है, हालांकि वो समझता है कि अनिका इनसिक्योर हो रही है और ऐसे में वो शायद कुछ बहकी बहकी सी बातें करने लगी है। वहीं रुद्र और ओमकारा भी उसे समझाते हैं, बट अनिका है कि कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही और शिवाय के रूम से बाहर भी नहीं जा रही। वहीं शिवाय अनिका को फनिका कहता है और कहता है कि मेरे रूम से बाहर चली जाओ। इस बात पर अनिका बहुत गुस्सा हो जाती है और शिवाय के मुंह पर जड़ देती है एक थप्पड़, बट अपने हाथ से नहीं अपनी पोनीटेल से। सो शिवाय इसके बाद गुस्सा तो ज़रूर होता है, लेकिन ये गुस्सा प्यार वाला है। सो आप इसे बहुत इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू, ताकि ऐसी ही अपडेट्स हम पहुँचाएँ आप तक बहुत फटाफट। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.